हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है। तो दोस्तों, आज मैं आपके सामने यहाँ पर 51 डेज क्वेश्चंस का यहाँ पे डे नंबर 32 आपके सामने लेके आया हूँ। तो आज हम यहाँ पे डे नंबर 32 को यहाँ पे डिस्कस करेंगे और आपको पता है कि क्वेश्चंस आता है यहीं से। तो दोस्तों, ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि आप देख सकते हैं कि जो हमारा IIT जैम का जो एग्जामिनेशन होता है उसके अंदर आपके 60 क्वेश्चंस आते हैं और हम यहाँ पे आपको डेली के 5 क्वेश्चंस कराते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि 255 क्वेश्चंस आपके इन 51 डेज में हो जाएंगे। तो जाहिर से बात है कि क्वेश्चन फिर आपको यहीं से मिल जाएगा। हो सकता है कि जो हम क्वेश्चंस करा रहे हैं उससे आपके MSQ NAT बन के आ जाए। ठीक है, तो चलिए फिर बिना किसी देरी के हम क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास ये है कि इफ ए इज इक्वल टू, यहाँ पे आपको दे सकते हैं, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो ए है, ए की वैल्यू आपके पास है 2i cap -3j cap और माइनस का k k cap, और बी इज इक्वल टू हमारे पास है माइनस के आई प्लस का k, और सी हमारे पास क्या है 2j और माइनस का k। तो देन द एरिया ऑफ द पैलोरोग्राम, अब हमको यहाँ पे उसका एरिया बताना है, किसका, पैलोरोग्राम का, हूज डायगोनल्स आर a प्लस बी एंड बी प्लस सी। ठीक है, तो सबसे पहले तो अगर हम यहाँ से अपना a प्लस बी निकाल लें तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि यहाँ से a प्लस बी का मतलब हो जाएगा i माइनस का 3j, मैंने डायरेक्ट कर दिया। इसी तरीके से अगर मैं यहां से अपना b प्लस सी निकालूं तो इसकी वैल्यू हो जाएगी माइनस के i प्लस का 2j। तो ये रहा, अब हम बात करते हैं यहां पे एरिया ऑफ पैलोरोग्राम। तो अगर मैं यहां पे एरिया ऑफ पैलोरोग्राम के बारे में बात करूं तो वो होगा 1/2 ब्रैकेट a प्लस बी क्रॉस ये हो जाएगा बी प्लस सी, है ना, दिस वे। तो अगर आप यहाँ पे आप इसका एरिया निकालोगे तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लेंगे, है ना। इसका अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट निकालें तो ये हो जाएगा एरिया इज इक्वल टू 1/2, यहां से आएगा हमारे पास 2, ये हो जाएगा, ये सॉरी, ये होगा आई कैप जे कैप और k कैप। तो ये वाली वैल्यू हो जाएगी 1 -3 0 -1 2 0। और अगर आप इसको यहां पे आप सॉल्व करोगे तो जो एरिया होगा 1/2 ये i 0 - 0 ये j 0 - 0 ये प्लस k ये होगा 2 - 3 ब्रैकेट क्लोज्ड। तो यहां से हमारे पास जो एरिया निकल के आया 1/2 ये हो गया हमारे पास लाइक दैट 1/2। तो इसको हम यहाँ पे इस तरीके से दोस्तों कर सकते हैं। तो बात समझ में आ गई है, तो ये हमारा कुछ इस तरीके से निकल कर आ जाएगा। इट इज क्लियर और नॉट? यस सर, इट इज क्लियर और नॉट? यस सर। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे किया हुआ है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को करने से पहले दोस्तों मेरे पास आपके लिए एक बहुत ही जरूरी अनाउंसमेंट है, वो यह है दोस्तों कि अगर आप यहाँ पे टारगेट कर रहे हो IIT जैम 2025 बैच को, तो हम लोग आपके लिए यहाँ पे एक विक्ट्री बैच लेके आए हैं जो कि आपका 30 सितंबर से स्टार्ट हो रहा है। और यहाँ पे आप एक चीज देख सकते हो कि अगर आप हमारे इस विक्ट्री बैच में एनरोल करते हो और यहाँ से एनरोल करने के बाद अगर आपका IIT जैम के अंदर 1 से लेकर 100 रैंक आता है, यानी कि अगर आप टॉप 100 में आते हो, तो हम जो भी हमारे विक्ट्री बैच के स्टूडेंट्स होंगे हम उनका पूरा का पूरा पैसा वापस कर देंगे, यानी कि आपको पूरा का पूरा रिफंड मिल जाएगा। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब जो हमारा सेकेंड क्वेश्चन है वो क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रॉपर्टी ऑफ द वैक्टर फील्ड। तो यहाँ पे हमको ये बताना है कि कौन सी प्रॉपर्टी हमारी वेक्टर फील्ड की एक प्रॉपर्टी नहीं है। तो जाहिर से बात है कि अगर हम यहाँ पे देखेंगे रेडियल फील्ड, एक हमारे पास है यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, एक है हमारे पास ग्रेडियंट फील्ड और एक है हमारे पास रोटेशनल फील्ड। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि दी, तो दी रेडियल
फील्ड हो गया हमारा, है ना, और ये ग्रेडियंट फील्ड और रोटेशनल फील्ड, मतलब आपका ये एक रेडियल फील्ड है, ये आपका एक ग्रेडियंट फील्ड है, और ये हमारा एक रोटेशनल फील्ड है। तो ये सब तो हमारे कैसे हैं दोस्तों, आपके वेक्टर की ही क्या है, प्रॉपर्टी है। लेकिन जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, है ना, ये हमारा क्या हो सकता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट ए प्रॉपर्टी ऑफ वेक्टर फील्ड। तो ये हमारी कोई वेक्टर फील्ड की प्रॉपर्टी नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शंस बी, वैसे तो देखा जाए ऑप्शंस टू इसका करेक्ट है, क्योंकि हमको रॉन्ग ही कैलकुलेट करना था, तो ऑप्शंस टू इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अब हम यहाँ पे बात करते हैं अपने थर्ड क्वेश्चंस की। तो थर्ड क्वेश्चंस क्या है कि वेक्टर ए इज इक्वल टू, ये हमारे पास है 3y कैप + 2zk कैप, है ना। तो ए हमको क्या दिया गया है, ए हमारे पास है 3y कैप + 2z कैप, और जो मेरे पास वेक्टर बी है वो है 5x कैप + 8y कैप, है ना, एक्सटेंड फ्रॉम द ओरिजिन, ठीक है। तो फाइंड ए डॉट बी, चूज द करेक्ट आंसर। तो हमको यहां पर इसका करेक्ट आंसर बताना है दोस्तों क्या होगा, ठीक है। तो बेहद ही सिंपल सा क्वेश्चन है, तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, सिंपल सा अपना ए डॉट बी निकाल लेते हैं। तो ये हो जाएगा 3y कैप + 2zk डॉट, ये होगा हमारे पास 5x कैप + 8yj कैप। तो अगर हम इसको इससे करेंगे तो 0 आएगा, इससे इसको करेंगे तो कितना आएगा, 8 × 24, इसका करेंगे 0, इसका करेंगे 0। तो यहां से हमारे पास जो इसका करेक्ट आंसर है वो हमारे पास है 23। तो 23 विल बी द करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे हमारे पास जो इस क्वेश्चन का आंसर निकल के आया है वो कितना है, 23, ठीक है। तो 23 हमारा करेक्ट आंसर। अब दोस्तों आपके लिए एक और अनाउंसमेंट है, अनाउंसमेंट कुछ इस तरीके से है कि अगर आप हमारे लाइव क्लासेस के अंदर एनरोल नहीं कर पा रहे हो, मतलब आपके पास हो सकता है समय की कुछ कमी हो, या आपके पास कोई भी ऐसी मजबूरी है कि आप लाइव क्लास अटेंड नहीं कर पा रहे हो, तो हमारे पास आप लोगों के लिए एक रिकॉर्डेड कोर्स भी है। तो IIT जैम और CET PG वालों के लिए हमारे पास एक रिकॉर्डेड कोर्स भी है। तो आप देख सकते हैं रिकॉर्डेड कोर्स एंड टेस्ट सीरीज, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हम इस पे आपको फ्लैट 30% का ऑफ दे रहे हैं, और आप हमारा प्रोमो कोड IFS30 का यहाँ पे यूज कर सकते हो, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो बात है फाइंड द लेंथ ऑफ द वेक्टर रिप्रेजेंटेड बाय द डायरेक्ट लाइन सेगमेंट विद इनिशियल पॉइंट इतना एंड इतना, एंड हमको ये बताना है। तो इसका आंसर क्या होगा ये अब हमको यहाँ पे बताना है, ठीक है। तो बेहद ही सिंपल क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, अपना ए बी निकाल लेते हैं, है ना। तो ए बी का मतलब क्या होगा, अगर हम बात करते हैं यहाँ पे ए बी सेगमेंट की, तो वो होगा हमारे पास x2 - x1i कैप + ये होगा y2 - y1j कैप + ये होगा z2 - z1k कैप। तो अब अगर हम यहाँ पे इस चीज को लगाते हैं तो आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास होगा -2, फिर ये होगा -2i कैप, क्योंकि इसको मैं मान लेता हूँ x1, ये होगा y1, ये होगा z1, ये होगा x2, ये होगा y2 और ये होगा z2, फिर प्लस। अब y2 की वैल्यू कितनी है, 1 + 3, ये होगा j कैप + z2 की वैल्यू कितनी है, 1 - 4k कैप। तो अब अगर इसको सॉल्व करेंगे तो -4i कैप + 4j कैप और -3k कैप, ठीक है। तो अब यहां से हमको क्या करना है, इसका मॉड निकाल लेना है। तो अगर मैं इसका मॉड निकालूं तो मॉड कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 16 + 16 + 9। तो यहां से जो ए बी की वैल्यू आएगी, अब ये कितना हो जाएगा हमारे पास, 16 + 16 = 32 + 9, तो ये हमारे पास हो जाएगा 41। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा √41। तो √41 इसका करेक्ट आंसर है। इट इज क्लियर और नॉट, यस सर। अब चलिए यहाँ पे हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चंस करते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग शोज द एप्लीकेशन ऑफ द डॉट प्रोडक्ट, कि हमको यहाँ पे ये बताना है कि कौन सा यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करेगा। तो प्रोजेक्शन ऑफ वन वेक्टर टू अनदर, यस इट इज डॉट प्रोडक्ट। तो ये हमारा एक डॉट प्रोडक्ट को यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद है हमारे पास, है ना, एरिया ऑफ ट्राइंगल, क्या ये एरिया ऑफ ट्राइंगल को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है, है ना। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पे एरिया ऑफ ट्राइंगल,
तो क्या दोस्तों, ये आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है ना। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो एरिया ऑफ ट्राइंगल नहीं है, यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू वेक्टर्स नहीं है, और ये भी नहीं है। तो इसका मतलब है, प्रोजेक्शन का मतलब क्या होता है, अगर हम प्रोजेक्शन को सिंपल से डिफाइन करें तो मान लीजिए ये वेक्टर मेरे पास ए है, ये वाला वेक्टर ए है, और इसी पे अगर हम यहाँ पे बनाएं तो ये वाला वेक्टर मेरे पास क्या है, आपका बी है। तो इसका जो प्रोजेक्शन होगा इसके ऊपर वो कितना हो जाएगा हमारे पास, आपका ए डॉट बी, है ना। तो ये इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है दोस्तों। तो यहां पर मतलब ये वेक्टर बी है, वेक्टर बी को मैं क्या लिख सकता हूँ, वेक्टर बी क्या होगा हमारे पास, मॉड ए कॉस थीटा, ये रहा, ठीक है। इसको हम यहाँ पे इस तरीके से दोस्तों लिख सकते हैं। तो आई थिंक आपको ये बात यहाँ पे समझ में आ गई होगी। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अब दोस्तों आपके लिए एक और जरूरी बात, अगर आप यहाँ पे IIT JAM और CUT एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आपको इस एग्जाम से जुड़ी कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, लाइक कि इन दोनों एग्जाम्स का सिलेबस क्या है, इन दोनों एग्जाम्स का पैटर्न क्या है, इन दोनों एग्जाम्स की कट ऑफ क्या है, और इस एग्जाम से जुड़ी कोई भी इंफॉर्मेशन अगर आपको चाहिए, तो आप हमारी एक सिंगल वेबसाइट है ifsonline.com, आप उस पर जाके विजिट कर सकते हो। साथ ही में आपको इन दोनों एग्जाम से रिलेटेड PYQs हमारे को वेबसाइट पर मिल जाएंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी आपको वेबसाइट पर मिल जाएगी, और जो पेपर एनालिसिस है वो भी आपको वेबसाइट्स के ऊपर मिल जाएगा। तो जाइए और जाके फटाफट से कर लीजिए, ठीक है दोस्तों। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, कीप लर्निंग एंड बाय बाय, ठीक है दोस्तों, बाय बाय।